हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अपन मैग्निफिकेशन के बारे में, यानी आवर्धन के बारे में इस लेक्चर में अपन बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो मैग्निफिकेशन है यानी जो आवर्धन है, ये रिलेटिव शब्द है। होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट मिरर के जस्ट सामने होता है, तो उसकी इमेज या तो बड़ी बन हो सकती है या छोटी हो सकती है। यानी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज या तो बड़ा बन सकता है या छोटा बन सकता है। इसी शब्द को हम मैग्निफिकेशन के द्वारा अपन समझेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज अंडरस्टैंड बाई मैग्निफिकेशन, यानी कि जो इमेज की जो साइज होती है वो हम मैग्निफिकेशन के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, अब आजकल मोबाइल में जूम आता है, आप उसको जूम करते हैं किसी इमेज के तो बड़ा हो जाता है, और जूम करके उसको छोटा भी कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट होता होगा, आपने देखा होगा। उसी तरह से अगर यहाँ रे ऑप्टिक्स में अगर अपन देखें, तो यहाँ एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी कुछ ऐसा ही है, या तो इमेज की जो साइज है या तो बड़ा या छोटा दिखाना, बताना किसकी कंपेरिजन में, किसके रिलेटिव में, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में बताने के लिए एक शब्द हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अगर सपोज करिए जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज 2 सेंटीमीटर हो और इमेज की साइज अगर आ गया सपोज करिए 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इंक्रीज हो जा रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है। और यहाँ पे जो 2 टाइम्स यानी कि 2 जो है ना, वो मैग्निफिकेशन है, 2 गुना इंक्रीज हो गई, यानी इसको एम्पलीफाई कर दिया गया 2 टाइम्स। यहीं से शब्द मैग्निफिकेशन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आइए अपन सबसे पहले मैग्निफिकेशन को समझते हैं अच्छे से कि आखिर मैग्निफिकेशन है क्या। तो हम मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, तो यहाँ हमने लिखा है द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज अंडरस्टैंड बाई मैग्निफिकेशन, यानी इमेज की जो साइज होती है वो हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में छोटा है या बड़ा है, उस सब को मैग्निफिकेशन का नाम देंगे। यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम 3 तरह के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। पहला बात करेंगे ट्रांसवर्स यानी लेटरल यानी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे आपसे एरियल यानी कि सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आपसे अपन बात करेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो अपन फिलहाल जो शुरुआत जो करने जा रहे हैं आपसे, वो आपसे बात करने जा रहे हैं हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी लेटरल मैग्निफिकेशन, या हम बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं। तो आइए अपन देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एम से डिनोट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। या एम इक्वल टू लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच नॉट, एच आई बोले तो जो इमेज है उसकी हाइट है और एच नॉट बोले तो ऑब्जेक्ट की हाइट है। स्टूडेंट्स, इस चीज को आइए डायग्राम से अपन समझते हैं ये होता कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया हमने, हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉनकेव मिरर के जस्ट सामने अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऐसे। इस ऑब्जेक्ट से रे लाइट अगर आप गौर से देखें यहाँ से, तो एक रे लाइट ऐसे जाएगी, और ये रे लाइट जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ टकराने के बाद से इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ से जो आ रहा है नॉर्मल है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब ये रिफ्लेक्ट होके रे कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पे काट रही है उसको हम बोलेंगे फोकस बोलेंगे, और ये कुछ इस तरीके से ये रे लाइट निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ से एक रे लाइट हमने यहाँ से यहाँ पे भेजा, पोल पे भेजा, और आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई पोल पे अगर रे लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इस तरीके से होती है। अगर थीटा से आई तो थीटा से रिफ्लेक्ट होगी, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जितने ये एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और ये रे लाइट यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे कट की, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जब काटेगी तो यहीं पे इमेज बनेगा। आप एक कॉन्सेप्ट वे दिमाग में रखें, जब भी दो रे एक दूसरे को कट करेगी तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखें। स्टूडेंट्स, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि दो ही आपने क्यों रे लिया है, इससे तो हजारों निकल सकती हैं,
तो इस प्रॉब्लम को आसानी से डील करने के लिए हम दो रे कंसिडर करते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत से रे निकलती हैं, उनके बारे में अगर अपन बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही रे के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो होगी एच नॉट, और यहाँ पे देखिए जो इमेज बन रहा है जो कि वट इरेक्ट इरेक्ट है यानी उल्टी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रही है, और जाहिर सी बात है कि इसकी जो हाइट हमने लिया गया है कितना लिया है, एच आई लिया है, यहाँ पे कितना लिया है, एच आई लिया है, आई से इमेज यहाँ पे हमने एच आई यहाँ पे देख रहे हैं हाइट लिया है, और यहाँ से पोल से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस वी है, और फोकस की बात करें तो ये एफ है, और यहाँ से अगर हम बात करें कहाँ तक की ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये कितना है, यू है, कितना है ये, यू हमने कंसीडर किया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने कितना लिया है, यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस ये देख रहे हैं ना जहाँ पे इमेज बन रहा है, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है, वी लिया है, और ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, एफ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए इस चीज़ को अपन समझते हैं, यहाँ देखिए आप अगर देखेंगे तो बी पी और ए, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंगल बनाए तो देखिए बी बी से चलेंगे पी और पी से चलेंगे कहाँ तक, ए तक, इस ट्रेंगल को आप गौर से देखिए, ठीक है, बी पी ए, और साथ ही साथ जस्ट इसके बगल में नीचे अगर आप देखेंगे तो एक और आपको ट्रेंगल दिखेगा, ये वाले ट्रेंगल को देखिए आप, यहाँ देखिए बी डैस पी डैस और ए डैस, बी डैस पी और ए डैस, ये ट्रेंगल को देखें, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है, कैसी ट्रेंगल है, सिमिलर ट्रेंगल है, सिमिलर मतलब एक जैसी, सिमिलर ट्रेंगल कैसे है भाई, तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी है, तो दो एंगल आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट तीसरा भी आपस में बराबर ही होगा एंगल, तो ये कैसे ये ट्रायंगल हो गए, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि होता क्या है, आपने देखा होगा कि ये होता क्या है कि इसकी हाइट अगर इस ट्रायंगल की हाइट लेंगे तो इसका जो बेस देख रहे हैं इन दोनों का रेशियो और इस ट्रायंगल की हाइट और इसकी बेस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए एच नॉट, एच नॉट आपने लिखा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेंगे आप, यू, तो आपने यू लिखा नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन आपको मालूम है आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रे इधर आ रही है, आप जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो आप माइनस यू कंसीडर करेंगे, आपने यहाँ पे माइनस यू लिया है इक्वल टू। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइट अगर आप देखेंगे एच आई है, नेगेटिव साइन में लेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट नीचे की तरफ इमेज बन रही है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप यहाँ पे लेंगे माइनस एच आई लेंगे अपॉन माइनस वी ई, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितना है वी और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये लेंगे, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस इसको पूरी सिंप्लीफाई करेंगे एक माइनस बचेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो एच आई और यहाँ पे एच नॉट भेजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए तो एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू आएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो वी जो है इमेज का डिस्टेंस है पोल से और यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप देखें एच आई अपॉन एच नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जगह पे यहाँ पे एच आई अपॉन एच नॉट की जगह पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस वी अपॉन यू। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त विथ साइन का यूज किया करें हमेशा, और यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, साथ में आप न्यूमेरिकल जब करेक्ट करेंगे तो आपको मिरर फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी जो कि वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी अपॉन वन अपॉन यू, इसका भी आप यूज करें, इन दोनों का जब यूज करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है आप जाहिर सी बात है आप जो बात कर रहे हैं पहले एक्सियल रे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने रेस कंसीडर किया है वो रेस रोड भी पहले एक्सियल है, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप जब ये फॉर्मूला यूज करें तो पूरे साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखें तभी आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है,
जो कि इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए मैग्निफिकेशन का, इसीलिए एक आपको छोटा सा एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल है क्या। आप बिल्कुल तैयारी करते रहे, ये जो चल रहा है लेक्चर आप देख रहे हैं ये हर तरीके के स्टूडेंट के लिए हैं। अभी तो फिलहाल मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, तो आप बोर्ड के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। IIT मेंस और PMT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी काम आएगा और साथ ही साथ एडवांस में भी काम आएगा। अभी तो एडवांस लेवल का स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो चल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल आप जैसे जैसे आप आगे अपन बढ़ेंगे आपको मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे कराऊंगा, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो को सोर्स लेकर लास्ट में जरूर देखा करें आप। आइए इसमें एक छोटा सा अपन न्यूमेरिकल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर आप गौर से देखें इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया। इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और इसके जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है एच नॉट वो है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो अगर आप देखें तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी, आपको बतानी है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ईजी है, आई होप पिछले क्लास में भी आपने देखा होगा ऐसे न्यूमेरिकल। तो आइए अपन देखते हैं, यू इक्वल टू अगर आप देखें तो यू इक्वल टू आप क्या लेंगे, यहाँ से पोल से डिस्टेंस इधर कंसिडर करेंगे तो -10 सेंटीमीटर लेंगे, और साथ ही साथ फोकस की बात करेंगे फोकस इक्वल टू हो जाएगा R/2। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 दिया है, जिसका रेडियस इधर की तरफ होगा, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट आप रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये पॉजिटिव लेंगे तो 20/20 यहाँ पे 2 लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा F=10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर आप देखें कहाँ पे इमेज बन रहा है वो निकालेंगे, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। आप इसमें डाटा को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/F, तो यहाँ पे F की वैल्यू आप क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर लेंगे, और यहाँ पे V निकालना ही है आपको, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस मिलेंगे, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि माइनस आप ले चुके हो। अब इसको इधर पुट करिए, इधर भेजिए, तो 1/V कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, यानी कि 2/10 हो जाएगा, यानी V की बात करिए तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि HI/H0 इक्वल टू होता है -V/U होता है। स्टूडेंट्स आपसे HI पूछा जा रहा है, यानी कि HI इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, -V/U लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, H0 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे V की वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो V की वैल्यू आप लोगों ने 5 निकाला है, तो ये हो जाएगा 5। और U की वैल्यू अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो इधर की तरफ आप चल रहे हैं, तो -10 सेंटीमीटर लेंगे H0। H0 देखिए यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चल रहे हैं आप, तो आप क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा ना वो जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इधर की तरफ, इधर की तरफ कहीं इसके पीछे की तरफ कहीं पे इमेज बनेगा, और देखिए कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर पे बनेगा, यानी यहाँ पे इमेज बनेगा कुछ, और इसकी हाइट जो होगी वो जाहिर सी बात है 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल मतलब बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल है। अब आइए अपन थोड़ा सा, अब इसमें एक और मैग्निफिकेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, उसके बारे में भी बात करते हैं, उसके बाद से अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको बिल्कुल देखें। ये सेकंड टाइप है मैग्नीफिकेशन का। अगर ये अगर आपको आता है तो आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को आसानी से डील कर पाएंगे। तो आइए अपन देखते हैं। यहाँ पर हमने एक मिरर कंसिडर किया जो कि कॉन्केव मिरर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, आप सभी ये देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। सपोज करिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसका ये वाला जो पोजीशन है ये ए है, ए वाला है, और ये जाहिर सी बात है बी वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ए है और ये क्या है बी है, और यहाँ से इसकी जो ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर पोल से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये यू वन है और ये क्या है यू टू है। तो जाहिर सी बात इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसकी इमेज भी कुछ इधर ही बनेगा या पीछे भी बन सकता है। हम मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर रखा गया ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है इसकी इमेज भी इधर ही बनेगा और उल्टा बनेगा। कुछ इस तरह से हमने सपोज किया, कुछ इस तरह से इसकी इमेज कहीं बना, ऐसे बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये ए डैश रहा और ये बी डैश रहा। जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वी वन होगा और ये क्या होगा वी टू होगा। ये वी वन वी टू और यू वन यू टू की बात करें तो ये सब पोल से डिस्टेंस लिया जा रहा है, यहाँ से सारे डिस्टेंस लिए जा रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पोल से सारे डिस्टेंस हम लोग यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जो भी डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं। यहाँ पे आपसे मैग्नीफिकेशन पूछे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो देखिए, ये होता है लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, इमेज का लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में आप कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। लेंथ ऑफ अगर इमेज की बात करें स्टूडेंट तो ये इमेज है, इसकी लेंथ हम ऐसे निकालेंगे कुछ। देखिए अगर आप देखें तो पोल से इस पॉइंट का बी डैश पॉइंट जो बन रहा है, मतलब कि इस पॉइंट का जो देख रहे हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसकी जो हाइट आप देख रहे हैं यहाँ तक लेगा, इसका जो इमेज जो यहाँ पे बन रहा है उसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पोल से डिस्टेंस कितना है बी टू है, और इसका देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से कितना है ये अगर गौर से देखें तो ये क्या है वी वन है और ये क्या है वी टू है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट ये बीच का निकालना है तो वी टू में से वी वन को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आप क्या लिखेंगे वी टू माइनस वी वन लिखेंगे, ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। तो ये देखिए ये कितना है यू टू है और ये कितना है यू वन है, तो U2 में से U1 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं U2 माइनस U1 लिख सकते हैं और इसको मॉड में लिख लें क्योंकि यहाँ पे हम प्लस साइन की बात करेंगे, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। कैसा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरह का, जैसे यही ऑब्जेक्ट सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसकी इमेज कहीं नीचे ऐसे बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा ना, सपोज करिए इस तरीके का हो ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट अगर है इस तरह का, तो जाहिर सी बात है इमेज भी इसी तरह का बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये हो सकता है कि ये अगर हाइट आप देख रहे हो ये एच है, तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इधर जो बन रहा हो सकता है 6 सेंटीमीटर हो जाए या हो सकता है कम हो जाए 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो इमेज में ये लाइन में भी वेरिएशन आएगा, ये जो देख रहे हैं ना लेंथ इसमें भी आएगा और ये इसका जो लेंथ है इसमें भी चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसीलिए मैंने लिखा है लेंथ ऑफ इमेज आप निकालेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा, यानी कितना लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे जो भी रिलेटेड नोमेरिकल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।